हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोना। वेलकम टू मोनास गौरमे किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। आज जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी आलू पराठा बनाइए, एंजॉय कीजिए। ये वाकई में बहुत टेस्टी बनता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 3 आलू हैं बॉईल किए हुए मीडियम साइज के, 1 बड़ा प्याज लिया था फाइनली चॉप किया हुआ, 1 टेबलस्पून फ्रेश धनिया, 3 हरी मिर्चें हैं छोटी छोटी कट की हुई, मसाले हैं 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, स्वाद के अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। एक बॉल ले लिया है, हम आलू क्रश करके डाल देंगे। प्याज भी डाल देंगे, धनिया, हरी मिर्ची, कसूरी मेथी, लाल चिली पाउडर, नमक और अच्छी से इनको मिक्स कर लेंगे। तवा रख दिया है गैस ऑन करके। चलिए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पेड़ा ले लेंगे मीडियम साइज का, रोल कर लेंगे। बेल लेंगे रोटी की शेप में। इसको हम साइड से कट कर देंगे इस तरह से, और थोड़ा घी लगाएंगे रोटी पे। घी को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इस तरह से पकड़ के एक कोन के जैसे हम शेप बनाएंगे। बहुत ध्यान से इस तरह से ये देखिए इस तरह से शेप बना लेंगे और अपने आलू के मिक्सचर को ध्यान से फिल करेंगे इस तरह। देखिए, और इसको हम ध्यान से बंद कर देंगे। इस तरह शेप से बनाने से ना इसमें लेयर्स बहुत अच्छी आती हैं आलू के पराठे में। इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। थोड़ा सा आटा छिड़केंगे, हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे ताकि पराठा फटे ना। और अब हल्के हाथ से ही हम इसको बेल देंगे। इसको बहुत ज्यादा ना मोटा रखेंगे ना बहुत पतला रखेंगे, एकदम मीडियम। देखिए इतना पतला रहे। चलिए अभी तवा गर्म हो गया है, पराठा डाल देते हैं। फ्लेम मीडियम रखेंगे और पराठे को सिकने देंगे अच्छे से। पराठा हमारे एक साइड से भी सिक गया है, अब घी लगा लेंगे। घी लगा के अच्छे से पराठों को फ्राई कर लेंगे, अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। चलिए और पराठे बना लेते हैं। इसको भी वैसे ही
राउंड शेप में बेल लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, चलिए इसको भी हम कट कर लेंगे साइड से, घी लगा लेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और कोन बना लेंगे। कोन को इस तरह से ध्यान से रोल करते हुए, जैसे समोसा की शेप होती है ना समोसे की, वैसे ही इस तरह से। आलू भर लेंगे, ध्यान से थोड़ा अंदर, और बहुत ज्यादा फिलिंग नहीं करेंगे नहीं तो फट जाते हैं। बंद कर देंगे केयरफुली, इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस करते हुए। हल्के हाथ से पराठे को अच्छे से सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक। फ्लेम मीडियम रहेगी। चलिए ये पराठा रेडी हो गया है, निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के पराठे बना के तैयार कर लेते हैं। थोड़े हाथ से धीरे से प्रेस करेंगे सूखा आटा लगाते हुए, और हल्के हाथ से ही इसको बेल देंगे, एकदम हल्के हाथ से रहे। ये भी पराठा बेल गया है, इसको भी वैसे ही घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना टेस्टी दम क्रिस्पी पराठा बन रहा है, खा के तो इसको एकदम मजा आ जाएगा। देखिए रेडी हो गया है, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी यमी क्रिस्पी पराठा बन के तैयार हो गया है। ऊपर से लगाएंगे बटर और इसको एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा इसको क्रश कीजिए इस तरह से, ये देखिए क्या टेक्सचर आया है, मजा आ जाएगा इसको खा के। तो आप जरूर ट्राई कीजिए और प्लीज बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलना।